बच्चों बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों हम अपने सीक्रेट केमिस्ट्री ट्रिक सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक सिखाएंगे आप लोगों को। इंपॉर्टेंट ट्रिक इसलिए है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो थर्मोडायनेमिक्स की हम सीक्रेट ट्रिक सिखाएंगे। दैट इज द कार्नोट साइकिल, या कार्नोट साइकिल को हम समझाएंगे आप लोगों को। तो जो कार्नोट साइकिल होती है बेसिकली वो चार स्टेप्स में होती है। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है कार्नोट साइकिल की वो कौन सी होती है, दैट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और जो सेकंड स्टेप होती है वो कौन सी होती है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तीसरी स्टेप कौन सी होती है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। और जो चौथी स्टेप होती है वो कौन सी होती है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो हम यही चार साइकिल, जो चार स्टेप्स हैं इन्हीं में जो अपनी कार्नोट साइकिल है वो चलती है। तो बेसिकली जो ये चार स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना तो जरूरी है कि जो चार स्टेप्स हैं वो कौन कौन सी होती है कार्नोट साइकिल में। तो बेसिकली अब हम बात करें तो जो पहली स्टेप है हमारी रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, आइसोथर्मली हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आइसोथर्मली अगर गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो मतलब टेम्परेचर हम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं उसमें। टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट रखे हैं तो यहाँ पे मान लो T1 या TH टेम्परेचर है, तो वो बाद में भी हमारा TH और T1 ही रहेगा, बाद में भी वो हमारा TH या T1 ही रहेगा। अब हमने जो इनिशियली है, जो इनिशियली जो हीट सप्लाई की हमने, तो वो जो हीट सप्लाई की वो कितनी सप्लाई की, QH सप्लाई की हमने। मतलब हमारा कोई इंजन है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम इनिशियली कुछ वर्क करेंगे उसके ऊपर, या इनिशियली उसको कोई हीट सप्लाई करेंगे। तो मीन हमने जो है इनिशियली उसके ऊपर वर्क किया, मतलब QH हमने हीट उसके दी हमने खुद। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसको एडियाबेटिकली रिवर्सिबली एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया। जब हम उसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंड करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा अपना, टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम तीसरी स्टेप करेंगे। तीसरी स्टेप में क्या होगा, हम जो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे मतलब टेम्परेचर हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट रखेंगे तो हम जो QC है, दैट इज कंप्रेशन के टाइम पर जो हीट जो रिलीज होगी, दैट विल बी QC, वो हमारी QC होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडियाबेटिक कंप्रेशन करेंगे। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन मतलब हीट तो हमारी कांस्टेंट है एडियाबेटिकली, तो जो टेम्परेचर होगा वो TC से कितना हो जाएगा, TH हो जाएगा दोबारा से। तो आप देखो सबसे पहली स्टेप हमने कौन सी करी थी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में अगर बात करें एंट्रोपी की, तो चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी, हमने हीट कितनी सप्लाई की, QH अपॉन टेम्परेचर कितना था, TH। रिवर्सिबल आइसोथर्मल जो हम कंप्रेशन करेंगे उसमें यही होगा। तो अब देखो अब जो दूसरी प्रोसेस है दैट इज एडियाबेटिकली, तो एडियाबेटिकली में हीट क्या होती है हमारी, जीरो। नो हीट सप्लाई, कोई भी हीट सप्लाई नहीं करते हम, तो कोई भी हीट सप्लाई नहीं करते तो एडियाबेटिक कंडीशन में हीट हमारी जीरो। तो हीट हमारी जीरो तो एंट्रोपी फॉर सेकेंड प्रोसेस विल बी जीरो। अब बात करें तीसरी प्रोसेस के लिए, तो तीसरी प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होगा, जो हमारी हीट है वो कितनी है, QC, और जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना है अब, TC। और चौथी प्रोसेस के लिए बात करें तो चौथी फिर से एडियाबेटिकली कंप्रेस किया है हमने, तो एडियाबेटिकली कंप्रेस किया है तो डेल्टा एस इसके लिए कितना होगा, जीरो। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जीरो। अब हम बात करें अगर डेल्टा एस टोटल की, तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, QH अपॉन TH, QH अपॉन TH प्लस में QC अपॉन में TC। तो ये हमारा डेल्टा एस टोटल होगा। अब जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मेथड ज्यादातर लोग कराते नहीं है, ज्यादातर क्या बताते हैं, एस टोटल है वो क्या होगा अपना QH अपॉन TC प्लस में QC अपॉन TC। तो ये हमारा तो जो डेल्टा एस टोटल है वो कितना आया अपना, डेल्टा एस टोटल QH अपॉन TC TH प्लस में QC अपॉन TC। तो हमने क्या बताया, डेल्टा एस इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी कैसी हमारी स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ एनी स्टेट फंक्शन इज जीरो।
कार्नोट साइकिल जो है एक हमारी क्लोज क्लोज साइकिल है। तो बेसिकली उसमें जो क्या होगा, जो क्लोज इंटीग्रल है इसका वो जीरो होगा। तो जीरो जो होगा क्यू एच अपॉन टी एच इक्वल टू माइनस में क्यू सी अपॉन टी एच टी सी लिख सकते हैं हम लोग, क्यू एच अपॉन टी एच इक्वल टू माइनस में क्यू क्यू सी अपॉन टी सी लिख सकते हैं, या क्यू एच अपॉन क्यू सी इक्वल टू माइनस में टी एच अपॉन टी सी लिख सकते हैं। तो यही तो हमारा है, यही तो हमारा एक्सप्रेशन है फॉर द कार्नोट साइकिल। तो क्यू एच को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वन लिख सकते हैं, क्यू सी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टू लिख सकते हैं। क्यू एच जो हमने पहले हीट दी, क्यू सी जो हमें आउटपुट मिला, और इसको क्या लिख सकते हैं, टी एच को टी वन लिख सकते हैं अपॉन टी टू लिख सकते हैं। तो ये जो है एक्सप्रेशन क्यू वन अपॉन क्यू टू इक्वल टू माइनस में टी वन अपॉन टी टू, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कार्नोट साइकिल, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कार्नोट साइकिल। अब हम बात करें, अब हम किसकी बात करें, अब हम बात करें किसकी, एफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल। तो एफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल क्या होती है, बेसिकली एफिशियंसी होती क्या है, एफिशियंसी होती है हमने आउटपुट कितना दिया, आउटपुट कितना दिया अपॉन में इनपुट कितना मिला। एफिशियंसी क्या होती है, हमने आउटपुट कितना दिया और इनपुट हमें कितना मिला। तो आउटपुट हमने क्या दिया, आउटपुट हमने क्या दिया, एफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, या वर्क परफॉर्म्ड अपॉन में हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द हॉट सोर्स, फ्रॉम हॉट सोर्स। तो जो हमारा पूरी प्रोसेस में वर्क परफॉर्म्ड कितना हुआ, तो क्यू एच हीट हमने दी, क्यू सी हमें मिला, तो बेसिकली जो वर्क था वो कितना था, क्यू एच माइनस क्यू सी, या इनका मॉड लिख सकते हैं, या इनका मॉड लिख सकते हैं, क्यू सी माइनस क्यू एच भी हो सकता है। तो वर्क तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, तो वर्क हम इनके मॉड में लिख सकते हैं इसको। अब हम इनके मॉड में लिखेंगे तो क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन में क्यू एच, हमने हीट हीट कितनी ऑब्जर्व की थी सोर्स से, क्यू एच हीट ऑब्जर्व की थी, क्यू एच हीट अगर एब्जॉर्व की थी तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच, और जो एफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, वन माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच, क्यू सी क्या था टी टू, क्यू सी क्या था क्यू टू, और क्यू क्यू एच क्या था क्यू वन। और यही अगर हम इस रिलेशन से इसको रिलेट करें तो ये क्या हो जाएगी, वन क्यू टू अपॉन क्यू वन, मतलब मॉड में लिख रहे हैं अभी हम, मॉड में लिख रहे हैं अभी हम, मॉड में लिख रहे हैं, तो वन माइनस ये क्या हो जाएगा टी टू अपॉन टी वन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशियंसी। तो ये हो जाएगा एफिशियंसी के लिए फॉर्मूला, हम किसमें लिख रहे हैं, मोड में लिख रहे हैं, इसलिए यही होगा, हम किसमें लिख रहे हैं, मोड में लिख रहे हैं। तो एफिशियंसी का फॉर्मूला आ गया, और कार्नोट साइकिल की हमें पता चल गया, कार्नोट साइकिल के बारे में कि होता क्या है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट था, और ये जो हमने प्रोसेस की वो हम जो लेके आए इसको, वो किससे लेके आए, हम इसको लेके आए एंट्रोपी से। एंट्रोपी से क्यों लेके आए, क्योंकि उसको उससे आसान हो जाता है निकालना। अब एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो आसानी से हम कह सकते हैं कि अगर एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ एनी स्टेट फंक्शन इज जीरो। तो हम इस प्रॉपर्टी से इसको लेके आए हैं, इस प्रॉपर्टी से हमने इसको ड्राइव किया है। तो ये बहुत सिंपल पड़ता है, बहुत आसान पड़ता है। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो हमें याद रखनी पड़ती है, वो बस इतनी सी बात याद रखनी पड़ती है कि इसमें जो चार स्टेप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो है था जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ टी टू टी वन या क्यू टू क्यू वन। अगर एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो हम एंट्रोपी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसे थोड़ा लंबा पड़ता है, इससे हम आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि टोटल एंट्रोपी जीरो होगी। तो एंट्रोपी दो प्रोसेस में आएगी हमारी, एक तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एंट्रोपी आएगी, एक हमारी कहां आएगी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो, क्यू जीरो तो एंट्रोपी जीरो, तो एंट्रोपी जीरो। अगर हम फिर टोटल एंट्रोपी की बात करें तो टोटल एंट्रोपी इन दोनों का सम ही हो जाएगी, तो इन दोनों का सम आ जाएगा, तो ये आसानी से डिराइव हो जाएगा, तो ये आसानी से ड्राइव हो जाएगा। तो अगर बोर्ड एग्जाम में भी आए ड्राइव करने को तो भी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए किसी चीज को पूछने के लिए तब भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें फॉलो करिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।